मैं र्यूमर ही कहूँगा क्योंकि जब तक बी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दे देती है कि डेट बढ़ रहा है तब तक ये एक र्यूमर ही है कि एग्ज़ाम 15 दिसंबर को होने वाला है और जहाँ तक अगर मेरी राय है इसमें तो संभवतः चांस है कि एग्ज़ाम 15 दिसंबर को जाए लेकिन अभी ये र्यूमर ही मान के चलिए और बढ़ता है डेट तो क्या करना है नहीं बढ़ता है डेट तो क्या करना है इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अभी आप सत्रह नवंबर मान के चलिए हमारा दिमाग ऐसा है कि हम उसको जितना ज़्यादा छूट देंगे वो उतना ज़्यादा आराम खोजता है मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि मैंने एक जॉब किया था जिसमें मुझे सुबह सात बजे ऑफिस पहुँचना था तो उसके लिए मैं सुबह उठता था साढ़े पाँच बजे और उस साढ़े पाँच में मैं योगा भी करता था थोड़ा सा ध्यान भी करता था मेडिटेशन भी करता था और थोड़ा सा रिवाइज़ भी करता था क्योंकि उस वक्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था मैं और सात बजे ऑफिस पहुँच भी जा रहा था मैं और जब ऑफिस मेरा साढ़े दस बजे का ऑफिस हो गया मन में आलस आ गया तो यो, योगा कर रहा हूँ ना ध्यान कर रहा हूँ ना रिवाइज कर रहा हूँ तो हम जितना अपने आप को छूट देंगे उतना हमारा जो दिमाग है वो रिलैक्स हो जाएगा, इसलिए एक आर्टिफिशियल इमरजेंसी अपने दिमाग में क्रिएट कीजिए अगर डेट बढ़ता है 15 दिसंबर डेट हो जाता है 17 नवंबर से तब भी आर्टिफिशियल इमरजेंसी क्रिएट करके रखिए कि मुझे 17 नवंबर को ही एग्ज़ाम देना है और 17 नवंबर को उस दिन एक टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए बारह बजे से दो बजे के बीच में वो आपको लाइफ एक दूसरा मौका देगी और जहां तक कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं इस बार तैयारी पूरी नहीं है वो फॉर्म जरूर भर दीजिए क्योंकि फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड नहीं होगा इनकेस अगर बी डेट बढ़ाती भी है तो फॉर्म भरने का डेट वही रहेगा तो इसलिए फॉर्म जरूर भर दीजिए अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है बी में और अगर अटेम्प्ट काउंट होगा भी तो फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता जब तक आप एग्जाम नहीं देने जाते यूपीएससी में भी यही रूल है फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, है, है। इसलिए फॉर्म जरूर भर दीजिए पहली चीज़ दूसरी चीज की एकदम सीरियस होकर पढ़ाई कीजिएगा तो 17 नवंबर में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा ज़्यादातर लोग एक्सक्यूज देने के चक्कर में पड़े हुए हैं एक्सक्यूज का मतलब क्या होता है अपने आप को आप बेवकूफ बनाते हैं उस एक्सक्यूज को दे कि यह समस्या इसलिए नहीं पढ़ पाया वो समस्या इसलिए नहीं पढ़ पाया मैं बार बार ये रिपीट करता हूं कि कोई नहीं सुनेगा आपकी समस्या है सब आपके पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे कि आप किसी लायक नहीं थे आपको लगता है कि आपने अपना एक्सक्यूज आपने अपनी समस्याएं दूसरे किसी को सुनाया और उसको कुछ फर्क पड़ता है नहीं रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है आप जब घूम के जाते हैं वैसे ही सोचिए अगर आपसे कोई आके समस्या सुनाए मेरे एक मित्र ने मुझसे समस्या सुनाया कि जिस साल बीपीएससी मेरा हुआ था साथ में उसका भी था उसको लूज मोशन हो गया सुबह सुबह जिसके कारण उसका एग्ज़ाम ख़राब हो गया नहीं तो उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी वो आज के डेट में वो भी एस रहता और उसके बाद से उसका अगले बार से पी नहीं निकला और जो भी हुआ वो आज के डेट में धक्के खा रहा है तो इससे क्या उनको अलग से बुला के सम्मानित करेगा बीपीएससी कि नहीं आपका आप एलिजिबल थे आप टैलेंटेड थे आपको अलग से हम लोग दे रहे हैं नहीं कुछ नहीं मैं आपको यह कहानी सुनाई तो आपको क्या लगेगा अरे झूठ बोल रहा है फालतू कर रहा है यही होता है जब आप अपना एक्सक्यूज किसी को सुनाते हैं कि मेरे साथ सर ये समस्या है जॉब है रात की ड्यूटी है नाइट शिफ्ट है बॉस बिल्कुल पढ़ने नहीं दे रहा है छुट्टी नहीं मिल रहा है ये नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई आपके लिए वहाँ सीट का रिजर्वेशन नहीं है जो एलिजिबल होगा वो सीट पर पहुँचेगा जो उस लायक मेहनत करेगा उस सीट पर पहुँचेगा और जो उस लायक मेहनत नहीं करेगा वो मैट्रिक्स आपने फिल्म देखा होगा कि वो लूप में फंस जाता है वो लूप ही है ये दलदल है रोज सुबह उठना ऑफिस जाना सोना सुबह उठना संडे का इंतजार करना संडे कब गुजर जाएगा समझ में भी नहीं आएगा फिर उसी लूप में फंस जाना संडे का इंतजार करना मंडे से ही संडे का इंतजार करना ये जीवन नहीं है करते करते एक दिन आप डेथ बेड पर रहिएगा और उस दिन लगेगा कि यार क्या कर दिया इसके साथ जीवन के साथ मतलब गंदा करके रख दिया मैंने अपना जीवन नहीं उससे बाहर निकलिए उस लूप से थोड़ा सा कंफर्ट जोन का जो चैम्बर है उससे बाहर निकलिए एक बड़ी अच्छी लाइन है कि ना नींद पूरी हो रही है ना ख्वाब मुकम्मल हो रहे हैं तो आप थोड़ा पढ़िएगा थोड़ा आराम कीजिएगा तो वो जो समीतोसम की कहानी मैंने बताई थी आपको कि पानी को थोड़ी देर गर्म कीजिए थोड़ी देर बंद कर दीजिए फिर थोड़ी देर गर्म कीजिए थोड़ी देर बंद कर दीजिए पूरा गैस का सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा लेकिन पानी गर्म नहीं होगा और फिर कोई बोले कि मेरा तो गैस ही खराब है मेरा तो सिलेंडर में लगता है एलपीजी की जगह कुछ और है मेरी किस्मत ख़राब है तो आपको हंसी आएगी ना तो ज़्यादातर लोग आप और हम यही करते हैं किसी भी जीवन में हम लोग टारगेट बनाते हैं और टारगेट के साथ हम लोग यही मजाक करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं थोड़ा आराम करते हैं थोड़ा मूवी भी देखते हैं थोड़ा वेब सीरीज़ भी देखते हैं थोड़ा जिम भी जाते हैं थोड़ा सा रिश्तेदारी भी निभाते हैं और फिर पढ़ते हैं फिर ये करते हैं तो क्यों पढ़ना तो छोड़ ही दीजिए पढ़ाई ये कंपटीशन है कंपटीशन में एक आदमी जब सफल होगा तो बाकी सब असफल होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी विन विन सिचुएशन नहीं होगा यहाँ और विन विन सिचुएशन जहाँ होता है वो है आपका एवरेज लाइफ मजा तभी तो है ना जब सब लोग कहे मैं जब तैयारी कर रहा था ये सच्ची घटना है मैंने एक ज्योतिष से अपनी हाथ अपने हाथ को दिखाया तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ ये सब सुन लिया तो उनको आइडिया लग गया कि इसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है उस वक्त मुझे लग रहा है तैतीस वही तैंतीस चौंतीस वाली उम्र वेज में था तो मैंने पूछा कि मेरा मन है बी करने का क्या मतलब हो सकता है तो उन्होंने हाथ देखा वो लग नहीं आपके हाथ में प्रशासनिक की लाइन ही नहीं है तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ उपाय बताइए कुछ पत्थर बताइए या कुछ आ, क्या होता है कुछ टोटका उटका बताइए तो उन्होंने फिर देखा बोला कि नहीं आपके प्रशासनिक की लाइन नहीं है आप इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करेंगे तो ये बात उनकी होगी उसके बाद बहुत दिन तक मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई कि नहीं यार मेरे हाथ में प्रशासनिक की लाइन नहीं है पूरी मेहनत करूंगा तब भी नहीं होगा ये है वो है लेकिन फिर उतरा इस तैयारी में मैं और जब तैयारी में उतरा तो फिर आपके सामने है कि वो सब जो है नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथों में लकीरें नहीं होती हैं ये बहुत मीनिंगफुल बात किसी ने कही है तो सिलेक्शन हुआ और आपके सामने हूँ मैं इसीलिए किसी के कह देने से आपका सिलेक्शन रुक जाए तो अगर वही बात हुई कि मैं आपको कह दूं कि आप रैंक वन है तो आप रैंक वन हो जाएंगे नहीं आप अपने कर्मों से रैंक वन होंगे तो अपने कर्म को उस हिसाब से बनाइए कि आप सेलेक्ट हो एक बार बीता हुआ समय वापस नहीं आता यह बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं लेकिन हम लोग इस बात का महत्व नहीं समझते हैं सही बात है एक बार बीता हुआ समय ना रुला देता है तो बचपन की बात अलग है कि हमने एक दिन बर्बाद कर दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक महीना बर्बाद कर दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं बी की अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय है और अगर अभी डेट बढ़ जाता है एक महीना तो इसको एक महीना नहीं मानिएगा इसको सात घंटे मानिएगा और सात घंटे का हिसाब किताब रखिएगा आप कि हर साल हर एक घंटे में मैंने क्या किया है जब आप 720 घंटे का हिसाब किताब रखना शुरू कीजिएगा ना तब आपको समझ में आएगा कि आप कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और कितनी बेमानी कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट आप ही लेके आएंगे जो सबसे बड़ा हमारी चुनौती है वो खुद से है ये बहुत ही मीनिंगफुल लाइन है क्योंकि जितना आप ईमानदार रहेंगे आज से एग्ज़ाम के डेट तक क्योंकि एग्ज़ाम का डेट अब थोड़ा सा है मार्केट में कि 15 दिसंबर को होगा और हो सकता है कि 15 दिसंबर को क्योंकि जो उसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है वो वैलिड रीजन है तो पंद्रह दिसंबर को है तो अभी भी मौका है अपने तैयारी को एक ट्रैक पर लाइए एक सिलसिलेवार ढंग से कीजिए फिर जो समय बच रहा है उसमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़िए अगर कोई आदमी परेशान है कि प्लानिंग नहीं कर पा रहा हूँ कैसे पढ़ना है किस दिन क्या पढ़ना है तो वो जो 60 दिन का प्लानर है हमारा एस आर एस क्लासेज़ का वो मैं अभी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप का होगा वहाँ से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करना है तो प्रैक्टिस के लिए जो एस आर एस की किताब आती है उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं किताबें कौन कौन सी पढ़नी है तो किताबों पर किताबों के लिए है सबसे बेस्ट किताब जो है मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है ज्योग्राफी के लिए महेश वर्नवाल है साइंस के लिए लूसेंट का जी का साइंस वाला पोर्सन है इकनॉमिक्स के लिए परीक्षा वानी है यही किताबें हैं लिमिटेड इन्हीं से पढ़ना है करंट अफेयर के लिए एस आर क्लासेस की दो किताब आती है करंट अफेयर और बिहार करंट अफेयर बिहार करंट अफेयर मात्र पचास पचपन पेज की किताब है और वो इतनी अच्छी किताब है कि उसमें लिमिटेड करंट अफेयर्स दिया हुआ है आ, मैं आपको दिखाता हूँ एक पर किताब वो मेरे पास है किताब ये वो किताब है देखिए और इस किताब की खासियत यह कि इसमें बहुत ही लिमिटेड करंट अफेयर दिया हुआ है आप किताब के देख सकते हैं इतनी ही आपको वो है चौड़ाई है और जैसे कि इसमें एक एक करंट अफेयर को मैं अगर एग्जांपल आपको देके दिखाऊं देखिए इस तरह से एक है उसके नीचे सब हेडिंग दिया हुआ है और बड़ा बड़ा फॉन्ट है इसलिए इतना पेज भी हुआ लिमिटेड है इसके अंदर करंट अफेयर और इस किताब को आप मल्टीपल टाइम पढ़ सकते हैं सबसे अच्छी बात इस किताब के साथ ये है कि आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं हम लोग गलती ये करते हैं कि एक किताब को पढ़ें दूसरी किताब पढ़ें तीसरी किताब पढ़ें पांचवी किताब पढ़ें जब तक आप उसको रिवाइज़ नहीं कीजिएगा प्रॉपर तरीके से तब तक वो किताब आपका नहीं होगा इसलिए रिवाइज करना सीखिए जब तक सही ढंग से रिवाइज नहीं किया जाएगा तब तक उस पर आपका ग्रिप नहीं बनेगा और अगर इनकेस डेट बढ़ता है तो हम लोग एक नई स्ट्रेटजी बनाएंगे जितने भी नए स्टूडेंट हैं कृपया हतोत्साहित ना होइए मेहनत से किस्मत बदलती है मैंने किस्मत बदला है मैं एक बहुत छोटा एग्जाम्पल हूँ हजारों लाखों लोग ने अपने मेहनत से किस्मत बदला है आप आज से हिम्मत करके मेहनत करके उतर जाइए मैदान जंग में जरूर सफल होइएगा और अगर असफल होते भी हैं एक पॉइंट बता रहा हूँ असफल होते हैं तो कई रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे लेकिन जहाँ आप हैं अगर वहीं रह जाते हैं तो जीवन में इसके पीछे ही जाइएगा आगे नहीं जाइएगा इसीलिए कोशिश कीजिए गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले इसीलिए अपना कदम बढ़ाइए अपनी हिम्मत बढ़ाइए देखिए कैसे नहीं सफल होते हैं ऑल द बेस्ट